हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब वो और ज़्यादा इंडियन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, अब वो और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। रीज़न भी कि एक तो चल रही थी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गई थी, तो वर्ल्ड वॉर के चलते हुए जो जापान वाले थे वो इंडियन बॉर्डर्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिसके चलते हुए जो ब्रिटिशर्स की सिचुएशन थी वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, और ज़्यादा भयंकर होती जा रही थी। तो इसीलिए 7 मार्च 1942 तक आते आते अब जापान क्या था, जापान ने रंगून पे कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया था उसको भी अक्यूपाई कर लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चाहती थी कि वो इंडियंस के साथ कॉपरेट करे, इसीलिए इन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे उनको उन्होंने इंडिया भेजा था इंडियन लीडर्स के साथ सेटलमेंट करने के लिए। अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो एक प्रपोजल लेकर आए थे। कौन सा प्रपोजल लेकर आए थे? वो प्रपोजल लेकर आए थे डोमिनियन स्टेटस का। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया क्रिप्स ने? क्रिप्स ने बोला कि लड़ाई के बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है उसके बाद हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बट इनका ये वाला जो प्रपोजल था इसको सारे के सारे ही इंडियन लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो क्रिप्स मिशन का भी कोई मतलब नहीं निकला। इसको रिजेक्ट कर दिया था हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ने, कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो क्रिप्स मिशन था वो बिल्कुल फेल हो गया था इंडिया में। तो क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, कि जो क्रिप्स मिशन है ना ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है और जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक भी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो इनका मतलब क्या था कि जब हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे उस टाइम पे आप हमारी डिमांड मान नहीं रहे थे, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हो तो अब आप हमें बोल रहे हो कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, बट अब तो हमारी डिमांड ही नहीं है डोमिनियन स्टेटस की, वो तो पहले थी, अब तो हमारी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की है, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। इसके बाद आता है फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर इंडियंस ने शुरू करा था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी ग्वालिया टैंक बॉम्बे के पास, जिसमें इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा था और उसमें इन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन शुरू करा था, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला था इंडिया छोड़कर जाने के लिए, ब्रिटिशर्स को टू क्विट इंडिया के लिए इन्होंने बोला था और साथ ही साथ गांधी जी ने कॉल दी थी डू और डाई की। अब तक जो गांधी जी थे वो भी परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स से, तो इसीलिए अब ये भी लड़ाई पे आ गए थे, वॉयलेंस पे आ गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कॉल दी थी डू और डाई की। इन्होंने बोला था कि या तो लड़ो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, लड़ते रहो, लड़ते लड़ते मर जाओ, या फिर इंडिपेंडेंस ले लो। तो इन्होंने इंडिया वालों को डू और डाई की कॉल दी थी। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे लाइक गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, इन सबको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया, बट जो बाकी के कुछ लीडर्स बचे थे रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल को, तो उन्होंने इस स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू रखा था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसको कंटिन्यू रखा था। बाकी के लीडर कौन से थे? जैसे कि जेपी हो गया, लोहिया हो गए, अरुण अशरफ अली हो गया, उषा मेहता हो गए, तो इन सब ने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा था। अब इस टाइम तक क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक आते आते जो वायलेंस था वो तो पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया था, गांधी जी ने भी डू और डाई की कॉल दे दी थी। तो इस टाइम फिर इन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, तोड़फोड़ कर दी उनकी, जो ब्रिटिशर्स की टेलीग्राफ लाइन्स थी, वायर्स थी, टेलीग्राफ वायर्स को भी कट कर दिया, कम्युनिकेशन जो था ब्रिटिशर्स का वो बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया उनका। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनानी शुरू करी थी, जैसे कि सबसे पहले जो पहली गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी वो बनाई थी बालिया यूपी में बाय चिट्टू पांड्या, चिट्टू पांड्या ने बनाई थी यूपी में। फिर सेकंड बनी थी तमलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, सतीश सामंत ने बनाई थी। थर्ड सतारा महाराष्ट्र में बनी थी और ये बनाई थी वाई बी चमन और नाना पाटिल ने, और ये जो थी महाराष्ट्र वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी इसका सबसे लॉन्गेस्ट टर्म था, सबसे ज़्यादा टाइम तक यही गवर्नमेंट चली थी। और फोर्थ इन्होंने तलचर ओडिशा में बनाई थी एक पैरेलल गवर्नमेंट। तो बाद में ये वाला जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया था, इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो क्विट इंडिया की टर्म है, ये टर्म दी थी यूसुफ मेहराली ने। यूसुफ मेहराली कौन थे? यूसुफ मेहराली एक महात्मा गांधी के ही साथी थे। फिर इसके बाद आता है गांधी जी का फास्ट। गांधी जी का फास्ट चला था 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 1947 तक। गांधी जी ने फिर जेल में ही 21 डेज का फास्ट रखा था। अब स्टार्टिंग में 13 दिन तो उनके अच्छे निकल गए अच्छे खासे, उसके बाद जो उनकी कंडीशन थी वो धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गई थी। 13 दिन के बाद उनके जीने की जो उम्मीदें थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। बट उनकी मॉरल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्टेमिना होने की वजह से उन्होंने अपने जो फास्ट के 21 डे थे पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अब इन्होंने वो फास्ट रखा क्यों था? गांधी जी ने फास्ट रखा था जो क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने हमारा ख़त्म किया था, कंडेम करा था ब्रिटिशर्स ने हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके आंसर में इन्होंने ये 21 डे का फास्ट रखा था। अब गांधी जी ने लोगों को उस टाइम पे बोल दिया था कि अब वायलेंस पे आ जाओ, लड़ाई झगड़े आप कर सकते हो, बट साथ ही साथ उन्होंने इस वायलेंस का जो कारण है वो ठहराया था। इस वायलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी कि अगर हमारे लोग वायलेंस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से ही कर रहे हैं। अब वो हमारी डिमांड्स को मान ही नहीं रहे, इसीलिए हम वायलेंस पे आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला 1944 में आया था। 1944 में चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, जिसको सीआर बोलते हैं, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट करा था और इस कमीशन में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स डिमार्केट करे थे जिसमें मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में है, और फिर इन सब एरियाज में उन्होंने प्लेबिसाइट को प्रपोज करा था कि इन एरियाज में प्लेबिसाइट होगा अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, फिर उसके बाद हम जो सेपरेशन का इशू है उसको हम डिसाइड करेंगे। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट में बेसिकली वोटिंग होती है कि आप अपना अलग से नेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, और उसमें जो मुस्लिम होंगे वो वोट देंगे। अगर वो प्लेबिसाइट उसके फेवर में जाता है सेपरेट नेशन में के, तो वो अलग से सेपरेट जो कंट्री है उनकी बना देंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने प्लेबिसाइट किया था, अब लोगों पे छोड़ दिया था। तो अब ये क्या था, ये एक सोवरन स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, सोवरन स्टेट के फेवर में थे, तो उनको फ्रीडम देना चाहते थे, तो मुस्लिम्स के लिए एक सोवरन स्टेट भी बनाना चाहते थे। इसीलिए अब ये क्या इनकी डिमांड क्या थी, ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि इन केस पार्टीशन की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, पार्टीशन मतलब जो प्लेबिसाइट होता है वो मुस्लिम्स के फेवर में जाता है, तो पार्टीशन की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो उसके बाद एक एग्रीमेंट होगा जिसमें हम इनके लिए डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इनकी सेफ गार्डिंग के लिए ये सब चीज़ें भी हम लेकर आएंगे। तो बट जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको तो वो मान रहे थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस की जितनी भी इंडिपेंडेंस की डिमांड्स थी, वो अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनाना चाहते थे, ये सारी डिमांड्स को जो मुस्लिम लीग थी वो पब्लिकली मान रही थी, उनका फेवर कर रही थी, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार थी मुस्लिम कांग्रेस की डिमांड्स के लिए। बट जो जिना था, जिना क्या कहता था, जिना चाहता था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी उनकी जो टू नेशन की थ्योरी है उसको एक्सेप्ट करे, ये जिना चाहता था। बट कांग्रेस में से कुछ जो हिंदू लीडर्स थे जैसे वीडी सावरकर हो गए, वो इस प्लान को कंडेम कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि दो नेशंस बने, वो चाहते थे कि एक ही इंडिया बने। बट जिना जो था वो चाहता था कि कांग्रेस हमारी टू नेशन की थ्योरी को एक्सेप्ट करे, और साथ ही साथ वो जिना क्या चाहता था कि जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो प्लेबिसाइट में वोट देंगे, और इन केस प्लेबिसाइट मुस्लिम के फेवर में जाता है तो टू नेशन की थ्योरी बननी, जो टू नेशन है वो बनने चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज दो बननी चाहिए, और इस चीज़ को कांग्रेस हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करे। बट जो हिंदू लीडर्स थे वो इसको मान नहीं रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट हम करेंगे वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस और INA ट्रायल एंड आज़ाद हिंद फौज। बस छोटे छोटे दो चार टॉपिक्स ही रहते हैं, तो 2-3 लेक्चर्स में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।